हेलो बेटा, आज हम सेशन 5 पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा ये सेशन फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम यूनिट 3 पे आ जाएंगे। ओके, यूनिट 2 पे आ जाएंगे। ये हमारा लास्ट है, सेशन 5 है हमारा। प्रैक्टिस वर्ड प्रोसेसिंग स्किल, बेटा इसमें आपको प्रैक्टिस करना है कंप्यूटर पे, ठीक है। लैब की चीज़ें हैं, बट यहाँ पे कुछ बस आपको थ्योरी बता रहा है, प्रैक्टिकली आपको लैब में करना है। देखिए, इंसर्टिंग टेबल, इसमें आप इंसर्ट टेबल करना सीखेंगे, फिर टेबल्स को ऑटो फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे, फिर सैम्बल्स को इंसर्ट करना सीखेंगे, और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आप सीखोगे। देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रोड्यूस द एक्टिविटी कैलेंडर एज शोन बिलो। देखिए, नीचे यहाँ जैसा दिखाया हुआ एक्टिविटी कैलेंडर, ऐसा आपको प्रोड्यूस करना है। ओके, ये देख रहे हैं आप एक्टिविटी कैलेंडर। देखो बेटा, ये लैब में आप कर सकते हो इसको, बस यहाँ पे थ्योरी बताया जा रहा है, और इसके अकॉर्डिंग टू आप जैसे जैसे ये बता रहे हैं वैसे वैसे वर्क करोगे तो लैब में आप इसको कर लेंगे। देखिए, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हम अपना ओपन ऑफिस राइटर, चाहे जो भी है, जिस भी वर्ड प्रोसेसर में हम वर्क कर रहे हैं, पहले हम वो ओपन करेंगे। उसके बाद फिर हम एक्टिविटी कैलेंडर राइट करेंगे, उसको सेंट्रलाइज करेंगे। सेंट्रलाइज करने के लिए हम इस आइकन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ई का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको सेलेक्ट करके बोल्ड करेंगे, ठीक। यहाँ पे यही स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी स्टेप्स हैं। उसके बाद हम जब ये कर लेंगे देन हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम बनाना है, और 1 2 3 4 रो, 5 रो बनाना है, ठीक है। 7 और 5 रो बनाना है और 7 कॉलम बनाना है। ये हम जाएंगे टेबल में, इंसर्ट में, और वहाँ टेबल कमांड के थ्रू हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आपका देखिए है, हम पहले टेबल में गए, देन इंसर्ट में गए, देन हमें यहाँ पे कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए, हम इसको कल करके देन ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा उतने कॉलम एंड उतने रो वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे जस्ट आपका फिगर शो किया हुआ है। उसके बाद जैसा टेक्स्ट में, जो भी हमारा टेक्स्ट है जिसको टेबल में दिखाया गया है, वैसे हम टाइप कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें टाइप करना है फर्स्ट सेकेंड। जैसे कि हम फर्स्ट जब लिखते हैं तो हमारा ऊपर आता है, बेटा जो ऊपर ऐसे आता है उसको हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक। और जैसे केमिस्ट्री वगैरह में आप पढ़ते हैं CH4, तो ये जो नीचे आता है इसको हम सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। जो ऊपर हो वो हमारा सुपर स्क्रिप्ट करेक्टर, और जो जस्ट बिलो हो वो हमारा सब स्क्रिप्ट करेक्टर। अगर हमें इसको ये करना है तो हम कहाँ जाएंगे, पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में जाने के बाद हम सब स्क्रिप्ट करेंगे। देखिए, जस्ट यहाँ आपको दिखाया है कि ST करके पहले तो फर्स्ट 1 लिखेगा, फिर ST लिखेगा, फिर ST को सेलेक्ट करने के बाद हम पोजीशन में जाके सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे, तो ये हमारी जस्ट ऐसा हो जाएगा, ठीक। अभी इसके आगे जस्ट आपको दिखा रहे कि सुपर स्क्रिप्ट करना है, तो सेम टू सेम हम उस चीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट पे करेंगे तो वो जस्ट बिलो हो जाएगा। अब इसके बाद सैम्बल को कैसे इंसर्ट कराना है, तो जैसे आपको कुछ सैम्बल है, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, थीटा है, डेल्टा है, लैम्डा है, या जो भी आपको इंसर्ट कराना है, तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, फिर स्पेशल करेक्टर में जाएंगे। स्पेशल करेक्टर में जाएंगे तो हमें एक यहाँ डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यहाँ से हमें कोई भी सैम्पल जो भी हम चाहते हैं चूज़ करके ओके कर देंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए, वही आपको बता रहे हैं कि पोजीशन में जाके आप सब स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे पहले CH4 लिख दिया, फिर 4 को सेलेक्ट किया, सब स्क्रिप्ट किया, देखिए ये ऐसा हो गया। ये सारी लैब की चीज़ें आप इसको लैब में करोगे। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आप उसको टाइप कर लोगे। उसके बाद टेबल में जाके ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करके जैसा भी डिज़ाइन आप चाहते हो कि आपके डायलॉग जो अपीयर हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। देखिए, इन्होंने फॉर्मेट में जाके ग्रे कलर चूज़ कर लिया, तो यहाँ पे हमारा ग्रे कलर का जस्ट आ गया, ठीक। और इसको हम फिर लास्ट में सेव कर लेंगे। सेम ऐसे ही नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है लेटर राइटिंग, कि अगर हमें कंप्यूटर पर कोई लेटर, फॉर्मल लेटर राइट करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारी फॉर्मेटिंग कैसी कैसी होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट अ फॉर्मल लेटर सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अबाउट स्पोर्ट स्कॉलरशिप। यहाँ देखिए आपको बोल रहा है कि एक लेटर
बनाइए जिसमें आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से स्पोर्ट स्कॉलरशिप के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। ओके ठीक, हमें एक ऐसा लेटर लिखना है जो कि किसको हमें सेंड करना है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, किस बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में। ठीक, स्कॉलरशिप की मांग करते हुए, प्रार्थना करते हुए हमें एक लेटर, फॉर्मल लेटर क्रिएट करना है किसको, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। तो इसके लिए क्या है, लेटर आर ए फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा लेटर जो भी होता है एक कम्युनिकेशन मोड होता है जिसमें हम अपनी बात किसी से कहते हैं या फिर किसी की बात लेटर के थ्रू हमारे पास रिप्लाई आता है तो हम समझते हैं। और ये एक प्रोफेशनल रिकॉर्ड भी होता है जिसको हम फ्यूचर के लिए कभी भी अनिश्चित काल तक हमेशा के लिए हम इसको सेव कर सकते हैं। बिजनेस लेटर आर जनरली प्रिंटेड ऑन कंपनी स्टेशनरी एंड और हैंड साइन बाय द ऑथर। देखिए जो भी बिजनेस के जो भी लेटर्स होते हैं बिजनेस लेटर, वो उस कंपनी में ही प्रिंट होते हैं और बस उनमें हैंड सिग्नेचर होता है। अब देखिए जब हम भी कोई फॉर्मल लेटर टाइप करते हैं तो कुछ ऐसे फॉर्मेट होते हैं जिनको हमें सेट करना होता है। ठीक, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो मोटे तौर पे जिनका यूज़ होता है, हमारा फर्स्ट है कॉन्टेक्स्ट, ठीक, सेकंड है कंटेंट और थर्ड है एड्रेसेस एंड सेंडर। देखिए एक सेंडर जब रहेगा उसके बाद एड्रेस चाहिए कि दोनों का चाहिए, हम जब टू करते हैं तो भी एड्रेस देते हैं, फ्रॉम करते हैं तो भी एड्रेस देते हैं, मतलब रिसीवर का भी एड्रेस होता है और सेंडर का भी होता है। ठीक, कंटेंट में हम क्या करते हैं, कंटेंट में हम अपना मेन चीज़ लिखते हैं कि हमें क्या चाहिए, जैसे हमारा हम टू द प्रिंसिपल लिखते हैं या फिर टू द मैनेजर लिखते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। और कॉन्टेक्स्ट में बेटा हम जो पूरा डिटेल लिखते हैं कि मुझे क्या हुआ था, मैं किस वजह से स्कूल नहीं आ पाई, वो सारा हमारा कॉन्टेक्स्ट होता है। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या होता है लेटर का, इसमें कि आप डू यू वॉन्ट टू मेक अ सेल, मतलब कि कुछ ऐसे बातें होती हैं जिसको आप डिफाइन करना चाहते हो, वो चीज़ें हमारे कॉन्टेक्स्ट में आती हैं। अब कंटेंट में हमारे लेटर में हो गया कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा होता है, इसको हम बॉडी ऑफ द लेटर भी कहते हैं। एड्रेस रिसिप्ट हो गया, मतलब कि जो रिसीव कर रहा है उसका एड्रेस हो गया, सेंडर में जो सेंड कर रहा है उसका हो गया एड्रेस कि हाँ ये लेटर कहाँ से आया है, ठीक, और अब रिसीवर में ये कहाँ जाएगा रिसीव करने वाले का हो गया। देखिए यहाँ आपको दिखा रहा है कि इस सैम्पल लेटर में देखिए सेंडर्स नेम, सेंडर का नेम क्या है, एक्स वाई जेड स्कूल है, फिर ये एड्रेस हो गया, सारी चीज़ें हो गई। नेक्स्ट है हमारा डेट, हम किस डेट को लेटर टाइप कर रहे हैं, ये हो गया। उसके बाद रिसिप्ट नेम हो गया यहाँ पे जिसको हमें सेंड करना है, ठीक, वो हो गया। सब्जेक्ट क्या, देखिए सब्जेक्ट बेटा हम शॉर्ट में टाइप करते हैं ताकि एक बार अगर कोई इसको पढ़ ले तो समझ जाए कि ये लेटर किस लिए आया। अब वो पूरा अंदर का ब्यौरा इतना पढ़ेगा नहीं क्या है, क्योंकि बहुत लोगों के पास टाइम नहीं होती, इसलिए शॉर्ट में सब्जेक्ट लिखा है। अभी अगर ये हम सब्जेक्ट लिख दिए कि इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, ठीक, तो अब इसको कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा अच्छा ये स्कॉलरशिप के लिए है, इन्फॉर्मेशन स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन के लिए है, ठीक। उसके बाद देखिए सैल्यूटेशन होता है, सैल्यूटेशन मतलब होता है कि आप लोग किसी को कहते हैं ना अभिवादन में सर मैम चाहे कुछ भी, ठीक, तो उसमें ये हमारा सैल्यूटेशन हो गया, उसमें हम सर मैम या कुछ भी राइट कर सकते हैं जो हमें राइट करना हो। यहाँ पे आपका पूरा हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, इसी को हम बॉडी भी बोलते हैं, कॉन्टेंट हो गया, ये हमारा सारा कॉन्टेंट है कि हम क्या चाहते हैं, हम जो भी है जो सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें राइट कर देंगे, ठीक। इसमें ये लिखा गया है कि और ये जो भी इसको ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए जिनके परफॉर्मेंस स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में अच्छे हो, ठीक, उनको जो स्टेट लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे या फिर एथलेटिक चैम्पियनशिप कर चुके हैं उनको, उनके खेल को बढ़ावा देने के लिए, फिर उनको इनको और अच्छा करने के लिए उनको स्कॉलरशिप मिले, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लिखते हो, लास्ट में आप अपना क्लोजिंग करते हो, क्लोजिंग करते टाइम हम कुछ लिखते हैं योर ओबेडियंटली या योर फेथफुली या कुछ भी, जो भी हमें लास्ट में क्लोजिंग के टाइम हम जिसको लिख रहे हैं वो हमारे रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमसे उसका रिलेशन कैसा है। फॉर्मल लेटर में तो ऐसे हम लविंग नहीं लिख सकते, बट अगर हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं।
फॉर्मल लेटर लिखेंगे जब भी, तो हम फॉर्मल लेटर का ही यूज़ करेंगे। और लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम अपना सिग्नेचर ब्लॉक करके इसको एंडिंग पॉइंट पे ले आते हैं। देखिए स्टेप्स टू टाइप ऑफ फॉर्मल लेटर, अब क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहले तो हम फाइल में जाके न्यू में जाएंगे, फिर वहाँ से रूरल में जाके व्यू पे हम व्यू को सेलेक्ट करेंगे, फिर हमें मार्जिन सेट करना है कि टॉप से कितना होगा, लेफ्ट से कितना होगा, बॉटम से कितना होगा, सारा हम मार्जिन सेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग टू। उसके बाद फिर स्कूल नेम जो भी है आपको, जो भी आपको फॉन्ट लेना है आप ले सकते हो, जो भी साइज़ लेना है आप ले सकते हो। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कौन सा 12 PTS लिखा है। उसके बाद फिर स्कूल एड्रेस स्मॉल लेटर में टाइप करोगे, फिर स्कूल एड्रेस को टाइप करोगे, फिर फॉन्ट लोगे, टाइम्स न्यू रोमन लेंगे, फिर 11 PTS साइज़ ले लेंगे। उसके बाद फिर टेलीफोन नंबर जो भी है उसको बोल्ड में हम राइट करेंगे, फिर डेट टाइप करना है वो करेंगे, 11 PTS उसका रहेगा। फिर जो भी आपको डेट ऑन टाइम जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो सिस्टम से, या फिर ऐसे भी आप टाइप कर सकते हो। उसके बाद रिसिप्ट का नेम एड्रेस जो भी है वो आप टाइप करोगे, उसको लेफ्ट जस्टिफाई अलाइनमेंट दोगे। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट लेटर का सब्जेक्ट है उसको आप 11 PTS करके टाइप किए हो, ठीक, उसको लेफ्ट जस्टिफाइड करेंगे। लास्ट में हम क्या करेंगे, कंटेंट जो लेटर को उसको 10 PTS पे करके उसके फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे और लेटर को टाइप कर देंगे। ओके, ये सारे स्टेप्स दिया हुआ है जो जो इसने यूज़ किया इस लेटर को राइट करने में, ये वाले लेटर को राइट करने में इसने जो जो यूज़ किया वो सारी चीज़ों को ये बताया है। ये बेटा आप लैब में करोगे। ओके, नेक्स्ट हमारा ड्राइंग डिज़ाइन ऑफ ग्रीटिंग कार्ड। अब देखिए कि अब लैब में अगर आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना तो उस कंडीशन में आपको कैसे ग्रीटिंग कार्ड बनाना होगा। तो ए ग्रीटिंग कार्ड एज यू नो डैट इज डेकोरेटेड कार्ड विथ अ मैसेज ऑफ गुड विशेस। आप जानते हो कि एक ग्रीटिंग कार्ड क्या होता है, एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटेड होता है, सजा हुआ होता है और उसमें कुछ अच्छे मैसेजेस होते हैं, अच्छी इच्छाएं छिपी होती हैं, ठीक, जिसको लोग एक दूसरे के प्रति अपनी इच्छाओं को एक्सप्रेस करते हैं। जो भी उनकी विशेस होती हैं वो हैंड रिटन या फिर प्रिंटेड करके अपने जो भी विशेस हैं उनको शेयर करते हैं, या फिर ये किसी स्पेशल ओकेजन पे किसी स्पेशल पर्सन को भी लोग देते हैं। ग्रीटिंग कार्ड जनरली है, देखिए ग्रीटिंग कार्ड में क्या क्या होता है, डिज़ाइन होता है, सबसे पहले तो डिज़ाइन होता है जिसको वो ग्रीटिंग कार्ड को काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है, वो उसको कुछ स्पेशल दिखाता है, उसकी जो जो लाइंस होती हैं वो कुछ डिस्कस करती हैं। कंटेंट होता है कि कंटेंट ए ग्रीटिंग कार्ड इज डिफाइंड बाय द ओकेज़न। देखिए कंटेंट जो होता है वो ग्रीटिंग कार्ड को डिफाइन करता है कि किस ओकेज़न के लिए है, ठीक, जैसे कि ये हमारी शादी के कार्ड हो गए, वो भी कार्ड है बट वो हमारा क्या है, इनविटेशन कार्ड है, ठीक, और हम जब न्यू ईयर पे कार्ड देते हैं या फिर बर्थडे कार्ड देते हैं तो वो भी इनविटेशन कार्ड होता है, बट ओकेज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें बर्थडे में जाना है या फिर शादी में जाना है या फिर ये मरने का है, जो भी है, जो भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करते हैं। और फिर रिसिप्ट, ए ग्रीटिंग कार्ड इज़ ऑलवेज एड्रेस टू ए पर्सन। जब भी ग्रीटिंग कार्ड होता है तो उस पर एक इंसान का हमेशा एड्रेस होता है जो कि उसको रिसीव करता है। अब देखिए अगर आपको डिज़ाइनिंग कैसे करना है ग्रीटिंग कार्ड में, तो बेटा ग्रीटिंग कार्ड टू टाइप्स के होते हैं। एक आप देख रहे हो कि अब साइड फोल्डेड होता है, जैसे हमारी बुक ओपन होती है वैसे होता है। एक होता है कि नहीं, जस्ट टॉप पे जब हम फोल्ड करेंगे तब हमारा ओपन होता है। देखो ये एक साइज़ है, एक ये है, दोनों देखने में सेम है लेकिन जब हम इसको प्रिंट कर देंगे तो उसकी प्रिंटिंग के हिसाब से इस पर जो भी हम फिगर ऐसे ऐसे बनाएंगे, ठीक, ये हमारा वर्टिकल हो जाएगा लेकिन इस पर भी हम वर्टिकल ही बनाएंगे, ठीक है। जो भी डिज़ाइनिंग है इसमें हमारा वर्टिकल कम मिल रहा है, इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, हॉरिजॉन्टल इसमें ज़्यादा मिल रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल कम है। देखिए अब देखिए अगर ऐसा ग्रीटिंग कार्ड बनाना है अगर आपको अपने कंप्यूटर में, तो आप कैसे बनाओगे, ठीक। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ, देखिए यहाँ पे हम साइड फोल्डेड ग्रीटिंग कार्ड क्रिएट करना सीखेंगे कि साइड फोल्डेड ग्रीटिंग कार्ड कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑफिस राइटर को ओपन करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, पेज में जाएंगे। फॉर्मेट में जाके जब हम पेज में जाएंगे तो पेज ओरिएंटेशन हम लेंगे। देखिए एक बेटा होता है हमारा पोर्ट्रेट ऐसा पेज होता है, ठीक, लैंडस्केप जो पेज होता है वो ऐसा होता है, ओके, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है।
तो इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। ये हमारा पेज पोर्ट्रेट है, ओके, और ये लैंडस्केप है, ओके। इसमें से हमें जो भी देखिए, इन्होंने पोर्ट्रेट लैंडस्केप चूज़ कर लिया। लैंडस्केप चूज़ करने के बाद हम अब देखिए बेटा, ये कॉलम भी कई होते हैं, सिंगल है, ये डुअल है, ये ट्रिपल है, फिर ये लेफ्ट साइडेड वन है, ये राइट साइडेड वन है। तो अगर हमारा ये पेज है, सपोज़ ये आपका पेज है, सपोज़ ये आपका पेज है, आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, इसको आधा कर, जस्ट इसको जब हम हाफ़ करेंगे तभी तो ये फोल्ड होगा, तो हम इसको टू कॉलम में बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे हम कुछ भी राइट करेंगे, इसका जो अगला हिस्सा होगा, जब हम ये पेज हमारा दो तरीके से दिखेगा, ओके, ऐसे ऐसे, तो यहाँ अगर हम कुछ करेंगे तो ये इसका बाहरी हिस्सा है, ये ब्लैंक रहेगा, फिर हम यहाँ कुछ करेंगे। देखिए ये इसका हिस्सा ऐसा दिखेगा, फ्रंट सेक्शन और डिटेल मैसेज यहाँ हो सकता है, ये हमारा आगे आएगा और यहाँ पे हम होगा, ये जस्ट फोल्ड करने के काम में आएगा। अब देखिए इसको हम अपने हिसाब से कोई भी इसमें ऐसा दिखेगा पेज हमारा, उसके बाद हम डिटेल मैसेज सेक्शन में जाके हम कोई भी मैसेज वो कर सकते हैं, या फिर फॉन्ट वर्क का, राइटर मैसेज में फॉन्ट वर्क का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप ब्लैंक छोड़ना चाहते हो तो ब्लैंक छोड़ के आप खुद से अपने हाथों से कोई भी मैसेज लिख सकते हो। यहाँ आप वर्ड आर्ट का हेल्प लेके यहाँ पे कोई भी अपना फ़ोटो वो करोगे, जो भी आप लिखना चाहते हो, कि बर्थडे विशेज है, या फिर न्यू ईयर विशेज है, या फिर क्रिसमस विशेज है, जो भी आप चाहोगे वो आप कर सकते हो। देखिए इन्होंने ये हमारा फ्रंट सेक्शन हो गया, और ये डिटेल सेंटर हो गया। जब ये हमारा फोल्ड होगा तो ये हमारा ऊपर आएगा और ये अंदर चला जाए, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे ये ऐसा इसका लुक होगा। ओके, ये बेटा फिर से मैं कह रही हूँ कि लैब की चीज़ें हैं, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी, बट आप इसको घर पे अगर करना चाहते हो बाय पेपर तो यू कैन मेक इट। थैंक यू।